जब हमारा ऑपरेशन शुरू ही हुआ था, शुरू के दिनों में आफ्टर अबाउट अ मंथ और सिक्स वीक्स और समथिंग, तो हमने एक बहुत बड़ी रेड की थी रहमान के घर पर हब में, जहाँ एक यू नो वी हैड मैसिव शूट आउट, उसमें बल्कि हमारे चार जो ऑफिसर्स और जवान थे शहीद हो गए। माई चाइल्डहुड वॉज फाइन, आई थिंक इट वॉज यू नो जितना कोई एक नॉर्मल चाइल्डहुड हो सकता है। मेरे चाइल्डहुड में मेरी कोई ऐसा सच इंस्पिरेशन नहीं थी पुलिस ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक जो मेरी रीजन्स थे पुलिस ज्वाइन करने के, वो प्रॉब्ली यू नो ऑफ्टन टाइम्स इफ बिन मिसरिप्रेजेंटेड। आई वेंट थ्रू एन एपिसोड वेयर माई फादर वॉज किल्ड, एंड उसमें मुझे जो चीज़ पुलिस के हवाले से व्हाट आई लर्नड कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पुलिस एक जनरली एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत जिसके ऊपर तनकीद की जाती है, उसमें जब पुलिस ऑफिसर्स को मौका मिलता है टू काइंड ऑफ वर्क इन अ पॉजिटिव वे, देन दे कैन रियली मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस। एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड इन द होल प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू माय फादर्स डेथ। और उस हवाले से आई फेल्ट दैट यू नो इसलिए पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर यू कैन मेक मच मोर ऑफ अ डिफरेंस देन लेट्स से इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर इन अ मोर डेवलप्ड कंट्री लाइक यू नो द यूएस और द यूके। दैट्स व्हाई द पुलिस अट्रैक्टेड मी। आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, मैं 19 साल का था व्हेन ही वॉज किल्ड। एट दैट टाइम वो जो अब के इलेक्ट्रिक है, जो कि उस ज़माने में KESC हुआ करती थी, कराची की इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, उसके वो MD थे। उनकी जो असैसिनेशन थी उसके पॉलिटिकल मोटिव्स थे, इन द सेंस वो उस ज़माने में बहुत से जो KESC के अंदर यूनियंस और इस तरह की जो बिजली चोरी और इस तरह की जो माफियाज़ बने हुए थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे थे। वो माफिया जो थे उनकी सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी से थी, बेसिकली MQM के हवाले से थी। एंड सो ऑब्वियसली एट द टाइम व्हेन ही वाज असैसिनेटेड, MQM वाज ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, कोलिशन के मेंबर थे। सो यू कैन इमेजिन दैट इन अ हाईली पोलिटिसाइज्ड एनवायरनमेंट, यू नो नो वन वाज विलिंग टू रजिस्टर द केस डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड बीन a very senior bureaucrat, he had been home secretary in the same province. Na koi case register karne ko taiyar tha na jab case mein meri walida aur maine MQM ka hawala diya to us par bhi there was a sort of shockwave because this had never happened before. About a year after his death things changed, ke government change ho gayi, or rather MQM was thrown out of the government, operation shuru ho gaya. And jaise maine kaha ke जो वही अक्सर जो पुलिस वाले थे जो कि पहले बिल्कुल यू नो दे वर रिस्ट्रिक्टेड बाय द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, उन्होंने ही फिर कातिलों को गिरफ्तार भी कर लिया और उसकी तफ्तीश भी बड़े तरीके से की। अनफॉर्चुनेटली अगेन जिस तरह हमारे मुल्क में होना चाहिए कि जस्टिस शुड नॉट बिकम हॉस्टेज टू पॉलिटिकल सर्कमस्टांस, वो उस तरीके से नहीं हुआ। एंड you know after the principal accused was arrested and convicted, us phir ek hukumat change ho gayi, musharraf sahab ki hukumat aa gayi, ek bar phir MQM jo thi wo you know became part of the power structure, aur us wajah se ye jo case tha, case main nahi kahunga jo ke iski faisle ki implementation thi, that stretched out over a period of 15 to 16 years. So you can imagine that you know that is a very long stretch of time. Main to as I said I was a young man, but my mother was fighting it. Being a woman it's doubly hard. Aur bahut bahut aisi jagahon mein jahan bahut se jo mard hazrat hain wo bhi aise case mein jo hai wo piche hat jate, aur aise examples hue hain. She continued to take that stance as did all of us. तो इसलिए वो फिर इसकी जो कल्मिनेशन थी वो 2015 में हुई, जब जो डेथ सेंटेंस थी वो कैरी आउट हो गई।
मैंने पुलिस ज्वाइन की 2001 में, बल्कि यकम जनवरी 2001 में आई ज्वाइन द सिविल सर्विस। वो बड़ा एक दिलचस्प टाइम यूँ था कि विद इन, मतलब हमारी जो एक इनिशियल ट्रेनिंग होती है सिविल सर्विस एकेडमी में, वो ख़त्म हुई जून या जुलाई में, और उसके बाद एक छोटे से पीरियड के लिए वी वर सेंट टू द आर डिस्ट्रिक्ट्स टू यू नो एज अ अंडर ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और शायद अगस्त में मैं कराची में पोस्ट हुआ था एज एन अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर, और सितंबर 11 को 9/11 के अटैक्स हो गए, एंड द इंटायर काइंड ऑफ हमारा जो पुलिसिंग का तौर तरीका था, जो फिलॉसफी थी, या जो भी आप उसको कह लें, दैट टोटली चेंज। आई लाफ अबाउट दिस कि माय करियर पाथ हैज़ सॉर्ट ऑफ गॉन अलॉन्ग विद दैट। जो हमने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में जो टेररिज्म, मिलिटेंसी और उसके जो वेरियस इटरेशंस हुए हैं, उनको हम जो देखते आ रहे हैं, तो वो आई हैव काइंड ऑफ वॉक्ड इन पैरेलल विद दैट। इनफैक्ट मेरा पहला दिन था, यू नो माय फर्स्ट डे एज आई सेड एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, और एक उस ज़माने का एक बड़ा मशहूर भी मैं कहूँगा, लेकिन एक अजीब सा, इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रेंज केस, जिसमें एक अ यंग मैन हु इज़ अ लॉयर, बैरिस्टर, ही हैड बीन किडनैप्ड, एंड जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तो उसी दिन जो पुलिस टीम थी वो मैं उनके साथ ही था, तो उन्होंने उस नौजवान की बॉडी को रिकवर किया, और पता ये चला कि ही हैड बीन किडनैप्ड बाय हिज नेबर हु वाज़ आस्किंग फॉर रैंसम। एंड अगेन इट वॉज यू नो फॉर समवन, मतलब वो कहते हैं ना, आपका ख्याल होता है कि आपका पहला दिन किसी भी नौकरी में थोड़ा सा हल्का या ठंडा चलेगा, बट इट वॉज फैसिनेटिंग बिकॉज इट वॉज अ होल रेंज ऑफ लर्निंग एंड इमोशंस एंड ऑल दिस। के एक अजीब वहाँ माहौल है कि वो दो घर हैं साथ साथ, एक घर में ऑब्वियसली सोग मनाया जा रहा है क्योंकि उनके बेटे की लाश जो है वो रिकवर हुई है, और दूसरे घर में, बाजू के घर में हम रेड कर रहे हैं और जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। चौधरी असलम और मेरी जो है वो रिलेशनशिप मेरे पुलिस में आने से पहले की है। असलम इनफैक्ट वो पुलिस अफसर था जिसने मेरे वालिद साहब के कातिल को गिरफ्तार किया। उस टाइम मैं आई वाज नॉट इन द पुलिस, तो वो एंड आई रिमेंबर मीटिंग हिम एट दैट टाइम। ज़ाहिर बात है सब्सिक्वेंटली फ्यू ईयर्स लेटर आई ज्वाइन द पुलिस, एंड सो एक बड़ी नेचुरल सी हमारी होगी, बट हमारा हमेशा एक अजीब सी पेयरिंग यूँ थी कि ऑब्वियसली मैं एक यू नो CSS करके कमीशन होकर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिसर था, ASP बतौर ASP आया था। असलम वॉज जिसको हम अपनी ज़बान में रैंकर कहते हैं, रैंक से आया था, SHO रहा था, DSP था, एंड ऑब्वियसली उसकी जो ऑपरेटिंग स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट था टू यू नो टू PSP ऑफिसर्स। लेकिन और अक्सर मतलब लोगों का ये होता था कि वॉचिंग अस वर्क टुगेदर इट डिडंट मेक अ सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि असलम से मैंने बड़ा कुछ सीखा इन मैनी वेज़। जो पुलिस की नौकरी की मुश्किलात होती हैं बिल्कुल एक बड़े माइन्यूट लेवल पर, और ख़ास तौर पर उन ऑफिसर्स और पर्सनल की मुश्किलात जो कि इस किस्म की ऑपरेशंस में बड़े नुमाया होते हैं, और उसके बाद जब वो ऑपरेशंस ख़त्म हो जाते हैं तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है, तो आई ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ दिस वेरी क्लोजली विथ हिम। दूसरी ये कि जो प्रैक्टिकल जिसको हम पुलिसिंग कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन की या यू नो सॉर्ट ऑफ बिग टारगेट्स को पकड़ने की, जो शायद अगर मैं एक मोर रेगुलर किस्म के उसके साथ चलता तो मुझे शायद उस तरीके से इन चीज़ों की इतनी नॉलेज या इंग्रेस ना होती, तो वो मैंने असलम से सीखी। तो मैं हमेशा असलम को अपने उस्तादों में से बड़ा ऊंचा दर्जा देता हूँ कि आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। आई वॉज पोस्टेड इन लियारी इन 2005, जब पहला जिसको कहना चाहिए ना ऑपरेशन रहमान डकैत, और उस ज़माने में अरशद पप्पू जो दो मेन राइवल ग्रुप्स थे उनके साथ जब वो ऑपरेशन शुरू हुआ, वो भी एक
अगेन आई विल से कि मेरे लिए बड़ी लर्निंग का पीरियड था बिकॉज इट टॉट मी द डायनामिक्स ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन ट्रबल्ड एरियाज. हालात ऐसे उस टाइम बन गए थे कि जो लोकल पॉपुलेशन थी लियारी की, उनका क्योंकि ख्याल था कि जो हमसे पहले पुलिस वाले थे वो मिले हुए थे गैंग्स के साथ, उनकी कोई ट्रस्ट नहीं थी, ट्रस्ट डेफिसिट था आवाम का पुलिस के साथ. मुझे याद है कि पहले कुछ दिन तो बिल्कुल ही मुझे लगता था कि थानों पर कोई आते ही नहीं है, मतलब अजीब सी बात थी. एंड देन स्लोली एज वी स्टार्टेड वर्किंग, एज वी स्टार्टेड अरेस्टिंग द गैंगस्टर्स, एज वी स्टार्टेड गोइंग उनके इलाकों में, उनकी गलियों में हमने जाना शुरू किया, जो कि पहले सोचा भी नहीं गया था कि इस तरीके से, इतनी अग्रेसिव तरीके से पुलिसिंग होगी. आहिस्ता आहिस्ता जो अवाम का, लियारी के अवाम का रवैया था वो हमारी तरफ तब्दील होना शुरू हुआ. जब हमारा ऑपरेशन शुरू ही हुआ था, शुरू के दिनों में आफ्टर अबाउट अ मंथ और सिक्स वीक्स और समथिंग, तो हमने एक बहुत बड़ी रेड की थी रहमान के घर पर हब में, जहाँ एक यू नो वी हैड अ मैसिव शूट आउट. उसमें बल्कि हमारे चार जो ऑफिसर्स और जवान थे शहीद हो गए, और उसमें इनफैक्ट असलम, मैं और इरफान बहादुर जो कि अब SSP हैं सिंध पुलिस में, हम तीनों ज़ख्मी हुए थे. और इट वाज अगेन ए वेरी सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स, कि हम जब ये भी एक जिसे कहते हैं ना तजर्बकारी की वो थी कि जब इनिशियली रेड पर हम गए तो हम बिल्कुल यू नो फ्रंट पर थे, वहाँ जब फायरिंग हो गई तो हमने जब मुड़कर देखा तो बाकी जो हमारी नफरी थी वो हम तक नहीं पहुँच सकी, तो हम काइंड ऑफ एक जगह फंस गए थे वेयर ऑल विद ऑल थ्री ऑफ अस बीइंग वाउंडेड, वेयर जहाँ से हम आई थिंक देयर जस्ट मे बी 7-8 ऑफ अस फाइटिंग. और सुबह जब मैंने कॉल वॉल की तो कि जी हमें कोई वो भेजे री इन्फोर्समेंट्स भेजें, तो उन्होंने कहा यार आपको सुबह तक ज़िंदा रहना होगा री इन्फोर्समेंट्स के लिए. वो रात के कोई मेरे ख्याल से उस टाइम 2-3 बजे होंगे, तो वो जो 3-4 घंटे थे फजर तक के, वो अगेन इट वॉज़ अ वेरी ट्राइंग टाइम, बिकॉज एज आई सेड असलम जिसका इन जैसी चीज़ों में ज़्यादा तजर्बा था वो खुद ज़ख्मी हो गया था, मैं भी ज़ख्मी था, लेकिन मैं मेरी टांग में लगी थी इसलिए आई वॉज स्टिल फंक्शनिंग. सो अगेन जैसे मैं कहता हूँ ना कि ज़िंदगी में आपको चीज़ें सीखने का और लर्निंग के बड़े मौके मिलते हैं, तो दिस वॉज वन ऑफ दोज. I had to leave because उस ज़माने में भी मैं 2010-11 में जो TTP का ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तालिबान का बड़ी इंग्रेस होना शुरू हुई थी कराची में, और मैंने और मेरी टीम ने उनके ख़िलाफ़ कई ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, उनके बहुत से अहलकार गिरफ़्तार किए थे. तो उसका जो एक बैकलैश था वो ये हुआ कि मुझे वेरियस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि जो तालिबान की लीडरशिप है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, उन्होंने मंसूबा किया था कि जी ये CID वाले जो हैं ये हमें आखिर क्यों पकड़ रहे हैं और इनको टारगेट किया जाए बाय नेम. एक तो ऑब्वियसली होता है ना कि आप ऐसे किसी इदारे में हो, पुलिस में हो या CTD में हो, जहाँ एक जनरल थ्रेट होती है, लेकिन वो बाय नेम एक चीज़ आ गई कि जी वहाँ एक उमर शाहिद नाम के SP हैं तो उनको टारगेट किया जाए. और नवंबर 2010 में ये चीज़ इसका जो एक जिस कहते हैं ना एक उसकी कल्मिनेशन यूँ हो गई कि हमारे जो ऑफिसर्स थे उस पर एक बड़ी बड़ा लार्ज मैसिव व्हीकल ID अटैक हुआ जिसमें हमारे 20 लोग शहीद हो गए. सो एट दैट टाइम मैंने ये मुझे बल्कि दोस्तों ने ये मशवरा भी दिया और मैंने भी ये सुना कि शायद इस वक्त बेहतर था कि थोड़े अरसे के लिए बंदा जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन से हट जाए. तो मैं उसमें उन दिनों में मैं लंदन चला गया. मेरे जाने की ही मेरे ख्याल से कोई 2 महीने बाद असलम के घर पर एक बड़ा मैसिव सा अटैक हुआ जिसमें उसका घर तबाह हो गया था. तो सो ऑब्वियसली ये जो थ्रेट्स थी जो आ रही थी ये बड़ी रियल थ्रेट्स थी. अमजद साबरी का जो केस था वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था. ऑब्वियसली एक वर्ल्ड रेनाउंड फिगर था अमजद साबरी. और जब अमजद साबरी का मर्डर इनिशियली हुआ तो उसके मर्डर पर बहुत सी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे.
उस ज़माने में ऑपरेशन एमक्यूएम के ख़िलाफ़ चल रहा था, अमजद साबरी का मर्डर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ जो कि एमक्यूएम का गढ़ था। रेंजर्स का ख़ास तौर पर और लोकल पुलिस का इनिशियली ये ख्याल था कि ये एमक्यूएम के मिलिटेंट्स ने किया है, और वो बड़ा इनफैक्ट कुछ बंदे उसमें इनिशियली गिरफ़्तार हुए जिन पर पहले ये दावा किया गया कि ये अमजद साबरी के मर्डर में मुलव्वस थे, लेकिन फिर बाद में वो दावा विड्रॉ किया गया। जब जो मेरी टीम थी जो इस पर काम कर रही थी, जब उन्होंने इसके मुलजमान पकड़े तो वो सिर्फ कोई अमजद साबरी का मर्डर जो था उसमें नहीं था, उसमें कोई 72 मर्डर्स जो थे वो निकले। एंड वो एक और वो मतलब हैरान कन बात ये थी कि वो दो लड़के थे अकेले जिनका मतलब वो उनका ताल्लुक वैसे तो लश्करे झंगवी से था, लेकिन एट दैट टाइम वो किसी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर काम कर रहे थे, और वो निकलते थे मोटरसाइकिल पर दो पिस्टल्स लेकर, और जिसको मुझे आज तक याद है कि वो उसका एक उनका उनकी टर्म होती थी कि हम फेरे पर निकल रहे हैं। तो फेरे का मकसद होता था कि निकल कर अगर जहाँ भी उनको कोई लगा कि कोई टारगेट ऐसा है तो उसको मार दिया जाए। तो उसमें उन्होंने कोई मैंने जैसे कहा ना कि 72 तो उन्होंने लोग कोई परहैप्स 18 महीने के पीरियड में 72 लोगों का कत्ल किया, जिसमें अहले तशी हजरात थे, पुलिस अफसरान थे, रेंजर्स के ऑफिसर्स थे, फौजी जवान थे। अमजद साबरी वॉज ऑब्वियसली ए पार्ट ऑफ दैट एज वेल। टेररिज्म की जब आप अभी बात करते हैं कि अभी क्या ट्रेंड्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली जो डायनामिक्स थे 2013 का जब ऑपरेशन शुरू हुआ था कराची में, वो बड़े तब्दील हो गए हैं। जो बहुत कुछ बड़े बड़े इशूज़ थे लाइक पॉलिटिकल मिलिटेंसी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है फ्रेंकली स्पीकिंग। इवन जो जिस तरीके से जिहादी तंजीमों का होल्ड था कराची के कुछ इलाकों में, जिस तरह कहा जाता था कि मंगोपीर में या सुल्तानाबाद में पाकिस्तानी तालिबान का बिल्कुल TTP का होल्ड है और वो नो गो एरियाज़ हैं, वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जो एज़ जो एक काइंड ऑफ इवन जो हमारी रीजनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज और अडेप्ट करती रहती है, उसमें ख़ास तौर पर पिछले 18-20 महीनों में जो मैंने देखा है, द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। एक तो कराची में आहिस्ता आहिस्ता एक जो भी ये बाकियात थी ना, चाहे लियारी गैंग वॉर की हों, चाहे MQM की हों, चाहे किसी इवन जिहादी तंजीमों की हों, उनमें से आहिस्ता आहिस्ता एक काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड बन रहा है जिसमें बहुत से लड़के पैसों के लिए जो हैं वो मर्डर्स या टारगेट किलिंग्स कर देते हैं। अब कभी उनको कोई अंडरवर्ल्ड टाइप माफिया गैंगस्टर्स करवाते हैं, कभी वो लड़के जो हैं वो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कहने पर ये काम कर देती हैं। तो वो एक अडेप्टिंग सर्कमस्टांसिस हैं जो कि बनते जा रहे हैं, और एक नया मॉडल है टेररिज्म का जो कि सामने आ रहा है कराची में। फ़िक्शन लिखना नॉन फिक्शन से ज़्यादा आसान। नॉन फिक्शन में आपको ऑब्वियसली चीज़ें बड़ी रिग्रेसली डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। फिक्शन इज़ कैथार्टिक, आप उसको मतलब आप इंजॉय भी करते हो लिखते हुए, और एंड आई थिंक जब आप लिखते हो, जो मैंने महसूस किया है कि आपकी ऑडियंस कहीं ज़्यादा होती है, बिकॉज शायद अगर 10 लोग आपकी कोई नॉन फिक्शन की चीज़ पढ़ेंगे तो 100 लोग फिक्शन पढ़ेंगे। जहाँ तक द फिक्स की बात है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ, हमेशा से बचपन से रहा हूँ, और मुझे मैंने जो इनिशियली अपनी पहले 3 किताबें लिखी वो उनका ज़्यादातर कराची पर फोकस था, और कराची की पॉलिटिक्स या कराची की पुलिसिंग या उसके अंडरवर्ल्ड वॉट एवर उसके जो एलिमेंट्स थे। द फिक्स वॉज टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल फ़र्क थी, और उसकी वजह ये थी कि मुझे हमेशा ये लगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की कहानी थी वो एक बड़ी ही मतलब बड़ी सैड टेल भी थी, बड़ी इंग्रोसिंग कहानी थी, मतलब इट हैड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए थ्रिलर, लेकिन फॉर सम रीज़न वो कहानी जो है वो कभी भी उस तरीके से किसी ने बयान नहीं की। और इनफैक्ट a lot of us have almost a selective memory of match fixing, and obviously जो लोग बहुत बड़े क्रिकेट फैंस रहे हैं, और इट्स वेरी पेनफुल इवन जो लोग टीम उस ज़माने में पाकिस्तान की टीम्स में शामिल थे जब इस तरह के एलिगेशन हो रहे थे, तो उनके लिए बड़ी पेनफुल ये चीज़ें रही हैं माजी में।
इसलिए मेरा थोड़ा सा इसमें फ़ायदा ये था कि मेरी मेरे पेशे की वजह से मेरी एक्सेस बहुत से ऐसे लोगों को थी जो कि शायद आप एक रेगुलर ज़िंदगी जीते हुए आपके एक्सेस ना हो। मसलन ऑब्वियसली बीइंग अ पुलिस ऑफिसर तो मैं बुकीज़ को भी बुला सकता हूँ, तो उनकी भी वर्जन ली मैंने बहुत से प्लेयर्स से मैंने बात की, बहुत से प्लेयर्स से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने मैच फिक्सिंग स्कैंडल 90s में कवर किया था और फिर 2010 में जब जो सेकंड स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था वो कवर किया था, उनसे मेरी बड़ी डिस्कशंस हुई। एज अ राइटर आई ऑलवेज हैड दिस बिलीव दैट वन शुड कीप ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई एज आई सेड द फिक्स वाज अ चैलेंज बिकॉज इट वाज टैकलिंग अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। बिट्रेयल जो है वो अगेन मैंने अगर माजी में क्राइम थ्रिलर लिखे तो दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पाई थ्रिलर, स्लाइटली डिफरेंट जॉनरा। फॉर मी एज अ राइटर इट इज़ बिन अ गुड एक्सपीरियंस ग्रोइंग, बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर आप एक ही चीज़ करते रहते हैं तो आप ग्रो नहीं करते एज अ राइटर। तो ये इसमें क्योंकि मैंने एक्सपैंड किया है इट्स डिफरेंट, जो उसमें थीम्स हैं वो शायद ज़्यादा ग्लोबल हैं, इट हैज़ मोर टू डू विथ सॉर्ट ऑफ रीजनल जियो पॉलिटिक्स रादर दैन लोकल क्राइम इशूज़। सो इट्स उसका आप यूँ समझ लेंगे इट्स पेंटिंग ऑन अ वाइडर कैनवस, एंड यू नो आई होप टू डू समथिंग सिमिलर टू दैट अगेन इन द फ्यूचर, बिकॉज आई थॉरली इन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। एंड अगेन उस पर एक चीज़ फिर आ जाती है रिसर्च की, बहुत सी चीज़ें आपको पता होती हैं, बहुत सी चीज़ों में आपको फिर अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर लोगों से बातचीत करनी होती है कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो वो जो प्रोसेस है वो भी बड़ी मज़ेदार होती है।